हेलो फ्रेंड्स, नितिन ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये दो कलर का बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने ये मल्टी कलर की चुन्नी थी मेरे पास, इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने इसकी पट्टियाँ बनाई हैं। एक मेरे पास ये प्लेन थी, एक ही मल्टी कलर की। जो चुनियाँ हमारे पास वेस्ट पड़ी रहती हैं, हम उनसे बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इससे ये डोरमेट कैसे बनाया। देखिए, दो लीफ मैंने इसकी बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर ये फ्लावर बनेगा राउंड शेप में। ये देखिए, दो पत्तियां मैंने इसकी बनाई हैं। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, वैसे ही मैं यहाँ से आपको स्टार्टिंग करके बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। देखिए, इसमें मैंने 8 नंबर की मैंने इसमें निडल ली है। अगर आपके पास मोटी निडल हैं, मेरे पास 8 ही नंबर की मोटी हैं। अगर आपके पास 6 नंबर की या 7 नंबर की हैं, तो आप मोटी निडल ले लीजिए। और आप इसको पुरानी साड़ी, पुरानी चुन्नियों से भी, मैक्रम से, जो भी आपके पास चीज हो उससे आप इसको बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, डिजाइन को समझने के लिए ये लीफ मैंने कैसे बनाई है, तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, ये बिल्कुल जैसे आपने फंदे डाले हैं, मैं वो स्टार्टिंग आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया है। देखिए, यहां से हम अपना ये एक रो आप ऐसे उतार लीजिए। ये देखिए, ये मेरी लीफ यहाँ पे बनके कंप्लीट हो गई। जब ये पूरी बनके कंप्लीट होगी, तब ये रो आपको मैं बताऊंगी मैंने कैसे बनाई है। आप जैसे फंदे डाले हैं, आप वैसे ही इसमें एक रो दोनों तरफ से उल्टी सीधी बना लीजिए। यहां से हम अपना ये सेकंड कलर, ये इसमें हम लगाएंगे। तो देखिए, आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतने ही इसमें फंदे डाल लीजिए, लेकिन आप फंदे पेयर के हिसाब से इसमें डालना। देखिए, दो फंदे हम लास्ट में छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस टर्न करेंगे। अब देखिए, अब आपको मैं बताऊं, अब ये मेरी पट्टी यहाँ पे खत्म हो गई, तो हमने ज्वाइंट कैसे लगाना है। ये देखिए, ये दूसरी पट्टी लेके आप इसके अंदर ऐसे डाल के और आप इसको ऐसे ऐसे रोल रोल कर दीजिए। आपको यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपका ज्वाइंट लग जाएगा और आपको दिखाई भी नहीं देगा। और अगर आप साड़ी से बनाओगे तो साड़ी की तो और भी लंबी लंबी पट्टियाँ बनती हैं। ये देखिए, दो हम इस बार इधर छोड़ देंगे, दोनों तरफ हमने दो दो फंदे छोड़ने हैं और अंदर ही अंदर हमने ये बनाना है। दो दो हमने छोड़ दिए, बहुत ही इजी है। देखिए, दो हमने पहली बार छोड़े थे, दो हम इस बार छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हम दोनों तरफ से दो दो फंदे छोड़ के हम बीच में आ जाएंगे।
फिर बीच में आने के बाद मैं आपको बताऊंगी फिर हमें क्या करना है। देखिए दो मैं इधर छोड़ दूंगी और मैं यहीं से वापस, तो देखिए दो इधर से और दो इधर से, इधर से हम छोड़ते छोड़ते बिल्कुल बीच सेंटर में आ जाएंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए। यहाँ तक आ जाएंगे बीच दोनों तरफ से छोड़ छोड़ के, और फिर बीच में आने के बाद मैं बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आपके जितने फंदे हैं आप भी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी। ये देखिए मैंने दो दो फंदे छोड़ के मैं बिल्कुल बीच सेंटर में आ गई हूँ। अब देखिए अब हमें क्या करना है, मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। देखिए फिर से मैं ज्वाइंट लगाऊंगी इसमें, क्योंकि मेरी चुन्नी थी इसमें वो ज्यादा लंबी पट्टियां नहीं हैं। ये देखिए इसको ऐसे करके, अगर आपको गैप लगे तो यहाँ बीच में से एक फंदा आप उठा लीजिए और ये हम हाफ फंदे सारे ही हम बना देंगे। ये देखिए हाफ फंदे बनाने के बाद अब देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड से हम अपना जो आपने कलर लिया है आप उसी कलर को लगा लीजिए। देखिए तीन चार पांच छः सात आठ नौ और ये 10 और 11, मेरे 22 फंदे हैं, तो मैं 11 फंदे यहाँ तक बना लूंगी। अब यहीं से मैं वापस मुड़ जाऊंगी, आगे के हमें नहीं बनाने। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे हों आप हाफ बना लीजिए और फिर वहीं से आपको वापस मुड़ना है। लास्ट वाले को हम ऐसे करके सीधा बना देंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, ये मेरे 11 फंदे हैं, इनको मैं दो दो करके छोड़ दूंगी। देखिए अब मैं यहीं से वापस से मुड़ जाऊंगी, दो दो करके मैं छोड़ के लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे आ जाऊंगी जब मेरे तीन फंदे बच जाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, इस बार मैंने दो छोड़ दिए, फिर मैं दो छोड़ूंगी, फिर दो और फिर दो, और लास्ट में मेरे तीन बच जाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ऊपर हमें क्या करना है। देखिए दो दो फंदे छोड़ के मैंने ये यहाँ तक बना लिए, तीन बच गए मेरे पास। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने फंदे छोड़े थे ऐसे ही हमने इनको वापस बनाना है। अगर आपको गैप लगे तो यहां से ऐसे एक फंदा उठा लीजिए और इसके साथ आप दो का एक कर दीजिए तो आपका गैप भर जाएगा। ये देखिए देखिए ये मेरे पास दो और है, मैं इनको भी बना लेती हूँ फिर ऊपर बताऊंगी ऊपर हमें क्या करना है। ये देखिए
ये देखिए दो मेरे पास बच गए लास्ट में, इनको भी मैं यहाँ से एक फंदा हम उठाएंगे। ये देखिए गैप भरने के लिए और दो का एक ऐसे बना देंगे। ये देखिए सारे ही फंदे हमने बना लिए। अब ये वाली रो हम सारी ही उतार देंगे। हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया, हमारी लीफ बनके ऊपर का हमारा एक गैप भी भर गया। अब देखिए इस कलर से हम ये जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो रो मैंने उतार रखी थी ये वो वाली रो है, एक उल्टी और एक सीधी। ये हमारे रॉन्ग साइड से है, यहाँ पे आपको गैप लगे तो आप ऐसे फंदा उठा लीजिए और गैप को ऐसे भर दीजिए। देखिए मेरी ये पट्टी छोटी हो गई, मैं इसमें फिर से ज्वाइंट लगाऊंगी। देखिए आप ऐसे इसमें ज्वाइंट लगा दीजिए। इस बार ये हम सारे ही फंदे बना देंगे। ये दो लास्ट में इनको भी हम बना लेंगे। अब सीधी साइड से भी हम ये रो उतारेंगे। ये एक रो बीच में हमने, जब हमारा फ्लावर कंप्लीट होता है तब हम बीच में ये एक रो दो रो एक उल्टी और एक सीधी बनाते हैं और फिर से हम अपनी अगली लीफ शुरू करेंगे। तो बहुत ही इजी डिजाइन है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना। देखिए पूरी रो इसकी हम ऐसे ही बना देंगे। ये लास्ट वाला फंदा आप ऐसे धागा पीछे करके इसको आप सीधा बनाना। ये देखिए इसके किनारे ऐसे फिनिशिंग आएगी। तो अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी अब हमने अपना सेकंड कलर लगाना है जो भी आपके पास हो। इस कलर से आप इसको, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, देखिए इस रो इस कलर से हम ये सारी ही रो बना लेंगे। और लास्ट में जैसे मैंने स्टार्टिंग करके बताई थी ऐसे ही आप एंड में दो फंदे आप छोड़ दीजिए, दोनों तरफ से दो दो करके आप छोड़ दीजिए। देखिए ये दो फंदे मैं एंड में छोड़ दूंगी और हम यहीं से वापस करेंगे और फिर वही पैटर्न जो हमने फ्रेंड्स नीचे किया है दोनों तरफ से हम दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। और देखिए बहुत ही हमारा सुंदर सा प्यारा सा ये डिजाइन बनके कंप्लीट होगा, राउंड शेप में बनेगा फ्रेंड्स और बहुत ही इजी है बनाने में। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।